नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में हरियाणा प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ ही देर में प्रस्थान करने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि फरीदाबाद के विकास के लिए जो भी मांग सकते हैं वो इस रैली में मांगा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री सैकड़ों करोड़ रुपयों की योजनाओं की घोषणा इस रैली में करेंगे। इस रैली से फरीदाबाद के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। इस रैली में तिगांव विधानसभा क्षेत्र में FMDA के जरिए बनने वाली सड़कों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए और नगर निगम क्षेत्र में विकास के लिए करीब 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं नहर पार क्षेत्र को ग्रेटर फरीदाबाद किए जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद अदा किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रेटर फरीदाबाद के लिए मेट्रो लाइन बिछाने, तिगांव सब डिवीजन बनाने, एक इंटरनेशनल स्टेडियम, टाउन पार्क, बस स्टैंड, हर विकसित सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर बनाने, महावतपुर में यमुना पर पंटून पुल बनाने आदि मांगे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। वहीं राजेश नागर ने दावा किया है कि उनके क्षेत्र में 4 महीने के अंदर सभी सड़कें बन जाएंगी। इसके साथ ही मेट्रो रेल को बल्लभगढ़ से प्रथला तक ले जाने की संयुक्त मांग भी मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत विधायक और कार्यकर्ता गण मौजूद रहेंगे और इस रैली में जिले के सभी विधायक अपने 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 क्षेत्रों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहली बार हरियाणा के सबसे बड़े गांव तिगांव, ऐतिहासिक गांव तिगांव, वीरों के शहीदों के गांव तिगांव, मेरे पैतृक गांव तिगांव में आ रहे हैं और बहुत सारी सौगात, बहुत सारी घोषणाएं यहां करके जाएंगे। किस तरीके की घोषणाएं आपको लग रहा है कि जो जरूरत है फरीदाबाद? बहुत सारी घोषणाएं विकास के लिए, काफ़ी फंड्स और SDM हमारा सब डिविजनल यहाँ पर बने, हमारी 3 तहसील हमारे इधर ग्रेटर फरीदाबाद में आती है और इसके सब डिवीजन की भी मांग रखी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी और बहुत सारी मांगे हैं वो पूरी करके जाएंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।